हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए, बेसन के लड्डू बिल्कुल 1 स्पून घी में हमने बनाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कितने टेस्टी और कितने यम्मी हैं। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि हमने कैसे बनाए हैं। तो प्लीज एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, आज हम बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी रेसिपी बताने जा रहे हैं। और सिर्फ 1 स्पून घी में जो रेसिपी हम बताने जा रहे हैं वो हमें काफी घी में बनती है, मगर हम बनाएंगे 1 स्पून घी में। तो चलिए देखिए, लेकिन एक बात आप लोगों से गाइस रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पूरी आप देखा करिए वीडियो। अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगी। तो ये हमने ऐड किया हुआ है 1 स्पून घी, आप लोगों के सामने ही देखिए, देख रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। 1 स्पून घी में गाइस बनाएंगे हम बेसन के लड्डू। तो ये देखिए, हमारा फ्लेम हम इसको धीमी कर देते हैं क्योंकि घी हो चुका है। तो अब डालेंगे हम इसमें बेसन। ये देखिए गाइस, अपना मेन इंग्रेडिएंट लिया हुआ है हमने बेसन। और इस बेसन से हम बनाएंगे 1 स्पून से के लड्डू भी बनाएंगे। तो देखिए, अब इसको हमें भूनना है। देखिए, और फ्लेम जितनी धीमी रखेंगे उतना ही अच्छे से ये भुनेगा। और धीमी धीमी फ्लेम पर भुनाई करनी है क्योंकि बेसन है, जितना अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। और गाइस सबसे बड़ी बात है, इसमें काफी ये हेल्दी होगा। इस समय ठंड चालू हो चुकी है तो इसमें देखेगा ये ठंड में भी फायदा करेगा इस तरह से, ठीक है। तो हम धीमे धीमे फ्लेम पर इसको भून लेंगे मिलाते हुए। ये देखिए गाइस, आप मैं बेसन जो है वो भूनने लगा है। और गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि ये छाया क्या कर रही है कि इसमें बेसन के लड्डुओं में या पिकता है, बट देखिए हम इसके लिए क्या जुगाड़ लगाते हैं कि जिसके घर में घी थोड़ा सा है या कम है और वो रिफाइंड में नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ घी में ही बनाना चाहता है लड्डू। तो देखिए, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और स्वाद तो ऐसा रहेगा कि मुंह में घुल जाएगा बिल्कुल। तो चलिए इसको हम भूनते हैं, ठीक है। लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि हमने बेसन कितने मिनट भूना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भूनने में भी, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादातर अपना जो अपनी रेसिपीज हैं इंडेक्स पर बनाया करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिनट चलते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि हम कितना मिनट ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आराम आराम से भूनेंगे, बिल्कुल स्लो। ये देखिए, जो घी डाला है उसकी वजह से गांठियां बन गई हैं, तो इन घी की गांठियों को भी हम तोड़ते जाएंगे इसी में। ये देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुका है भूनते भूनते। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर, जैसे कि हमारे थोड़ा सा इसका रंग जो है वो अच्छा सा आएगा, ठीक है, कलर का। और अब देखिए, इसको मिलाने के लिए हम ये तो ऐसे ही कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा। अभी देखिएगा, इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी जान, क्योंकि घी तो हमारा काम है तो कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। तो अब हम डालेंगे ये 1 कटोरी मलाई, ये दूध की मलाई है। फ्लेम को आप धीमा कर दें, उसके बाद में हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, घर की होममेड 1 कटोरी मलाई। इससे हमें क्या होगा, भूनना भी आसान हो जाएगा और ये जो कलर डाला है वो भी ऐड हो जाएगा, घुल जाएगा और ये आराम से भून जाएगा। और इसमें जो घी की मात्रा है वो भी पूरी हो जाएगी क्योंकि मलाई में घी होता है। तो ये हमारे बेसन मलाई लड्डू हम बना रहे हैं। अब इनको क्या करना है, मैं ऐसे मिलाते हुए अच्छे से भून लेना है फिर से, ठीक है। पहले हमने 10 मिनट उस तरह से भूना, अब इन्हें फिर से हमें भूनना है इस तरह से मिलाते हुए। आप गाइस देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया है, जो हमने फूड कलर डाला था वो सब मिल चुका है, ठीक है। और इसको अब हम ऐसे करते हुए भून लेंगे अच्छे से। और इस ये गाइस दानेदार बहुत टेस्टी लड्डू बने। ये देखिए गाइस, अब हमें इतना देखिए मिक्स कर लिया है सारा कुछ, और अब हमें इतना इसको भूनना है कि मलाई में हमारी बहुत सारा घी होता है। इस वजह से हमने बोला था कि हम 1 स्पून घी में मलाई देंगे, क्योंकि मलाई हम डाली है ना, हमने मलाई बेसन लड्डू बना रहे हैं हम इस वजह से, ठीक है। तो इसको जब तक इसमें घी निकल नहीं आता अच्छे से, तब तक हमें इसे भूनना है अच्छे से, ठीक है। फिर हम इसके बनाएंगे लड्डू। और एक बात गाइस, आप देखते रहिएगा, लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं जिसकी वजह से एकदम टेस्टी लड्डू बनेंगे। और गाइस, मलाई तो इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो मावा जैसा टेक्सचर आ जाता है, स्वाद आता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है।
हमारे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से हमने आपसे कहा। और मलाई डालने से आप देख सकते हैं कितने दाने दाने दिख रहा है लड्डू में, जो इस मिक्स में। तो ये लड्डू लड्डू जो दाने दाने दिख रहा है, ये हमको बहुत टेस्टी लगते हैं देखने में। और ये जब खाओगे तो जो ये मुंह में जाएगा तो वो बहुत टेस्टी बनता है, इसीलिए। तो उसको हम भून लेते हैं अभी अच्छे से। ये देखिएगा हमारा भून चुका है, और आप देखते हैं, आपको हम पास से दिखा रहे हैं कि हमारा बिल्कुल दानेदार लग रहा है। तो इससे बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। और गाइस इसमें तगाड़ अगाड़ की भी जरूरत नहीं, जो चीनी बेसन के लड्डू में हम तगाड़ डालते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बेसन में ही इतनी अच्छे से बन चुका है दाना। और गाइस वैसे तो लड्डुओं के लिए मोटा बेसन लगता है, बट हमने घर में जो रखा होता है लड्डुओं का बेसन, जो घर में हम और इंग्रेडिएंट बनाने के लिए यूज करते हैं, बस वही हमने ले रखी है, ठीक है, वही बेसन ले रखा है। और ये हमारा लगभग भून चुका है, तो हम फ्लेम को करेंगे धीमा, बट अभी भूनेंगे और थोड़ा सा। लेकिन जो इसमें अब इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है, ये देखिए, ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट हैं, बादाम और किशमिश, उनका हमने पाउडर बना लिया है, जो कि उसमें कुछ दाने भी हैं, जो टुकड़े रह गए वो भी हैं, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि ये भी भून जाएगा। तो ये हमारे लड्डू जो है वो काफी हेल्दी होंगे बच्चों के लिए। और बादाम डालने से गाइस ठंड भी नहीं लगती है, और इस टाइम ठंड तो है ही है, तो आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें हमने बादाम और काजू ले रखा है, अभी और भी किशमिश वगैरह ऐड करेंगे। तो और इसे भूनेंगे अभी थोड़ा सा। ये देख सकते हैं गाइस, हमने ले ली है किशमिश, ये हमारी बड़ी स्पून भर के है। आप इसमें अपने हिसाब से किशमिश और ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी अब हम भून ही लेंगे साथ में, जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट भी भुन जाएंगे और हमारा बेसन जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी भुन जाएगा, ठीक है। एक बात और गाइस, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमको ड्राई फ्रूट लेने ही लेने हैं, बस इस समय मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से इम्यूनिटी बूस्ट हो, इस वजह से हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं, नारियल हो अगर तो नारियल का जो वो नहीं बूरा होता है नारियल, वो भी आप डाल सकते हैं, कद्दूकस कर भी नारियल ऐड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप सब ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अभी और भूनेंगे, हम लास्ट में बताएंगे कि इसको हमने कितनी देर भूना है। एक बात और गाइस, हमने थोड़ी सी मात्रा बेसन की बढ़ा दी है, हम आपको दिखाना भूल गए हैं, तो हमने एक कटोरी की जगह पर हमने दो कटोरी बेसन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो कम लग रहा था, तो इस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ ये लड्डू सबको बहुत 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 पसंद है, क्योंकि इसमें घी भी ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। एक कटोरी की जगह दो कटोरी बेसन कर लिया था, बाद में ऐड कर लिया। और मलाई है, मलाई की क्वांटिटी भी हमने डबल कर दी, तो जितना आप बनाना चाहें जिस हिसाब से उसी हिसाब से आप क्वांटिटी रख लें, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है और हमारा किचन पूरा महक रहा है एकदम बेसन से, बेसन की खुशबू से, और ये कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है, हल्का रेड बन आ गया है। इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे, तो टोटल हमको 30 मिनट लगा है बेसन भूनने में। और आप लोगों को फ्लेम आप लोगों के फ्लेम पर ही पता चलेगा, डिपेंड होगा कि कितना मिनट आपको भूनने में लगता है, ठीक है। तो हमने आला दो कटोरी था तो हमको 30 मिनट लगा, और आप थोड़ा लेते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से देख लीजिए। और देखिए इसमें बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं दिख रहा है और बहुत कम भी नहीं लग रहा है, ये देखिए ये कुछ बनने लगा है। तो इसको हम ठंडा करेंगे, बट बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, अगर बिल्कुल ठंडा आप कर दोगे तो फिर लड्डू नहीं बंधेंगे, फिर हमको उसमें घी मिलाना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। तो इसको हम अभी हल्का सा 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, बट चलाते हुए, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म होती है तो नीचे जल जाएगा अगर आप छोड़ दोगे तो। इसको हमें 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है ताकि जले, ये चिपके नहीं, जले नहीं, और आराम से ठंडा हो जाए। ये देखिए गैस चलाते हुए हम ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, और देखिए ठंडा हो गया है कुछ हद तक। तो अब इसमें हम गरम में ही हम चीनी डालेंगे बस, लेकिन इतना है कि हमारा हाथ छू सकता है इसको, तो इतना ठंडा कर लेना है। और इसमें अब हम पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे, ये देखिए गाइस चीनी भी हमारी जस्ट
डबल तो नहीं कहेंगे मगर डेढ़ कटोरी है, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी से डेढ़ कटोरी चीनी हमने पीसी हुई ले ली है और गरम में ही हमें इसे मिला देना है। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है आप लोगों में, नहीं बनेगा अगर तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए गाइस अभी सूखा सूखा लग रहा है हमें, मिलाने पर भी सूखा ही लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें घी की जगह क्या ऐड करेंगे, तो ये देखिए घी की जगह हम दूध ऐड करेंगे। तो हम बिल्कुल एक स्पून दूध लेंगे, खाली एक स्पून, अभी एक स्पून लेना है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डाल दोगे तो चीनी है इसमें मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बस एक स्पून अभी डाला, फिर जरूरत के हिसाब से ले लेंगे। और आप अगर दूध अवॉइड करना चाहते हैं तो आप दूध भी अवॉइड कर सकते हैं, आप दूध की जगह पर घी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके मिलाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारा कितना स्पून दूध लगा है। ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस टोटल हमारा 4 स्पून दूध लगा है, बहुत ज्यादा नहीं लगा है। और अगर आप घी डालते हैं तो हो सकता है आपका 2 ही स्पून घी पड़े, 2 स्पून भी नहीं पड़ेगा। हमने कहा था हम घी बिल्कुल एक ही स्पून डालेंगे, इसीलिए हमने दूध ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस इस मिठाई को आप लगभग 15 दिन रख के फ्रिज में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके लड्डू बांधेंगे, देखिए इस तरह से बंध रहा है लड्डू हमारा, ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, बहुत घी भी नहीं है और बहुत ऑयली भी नहीं है, इसी तरह से हम बांध लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल लग रहे हैं ना हलवाई स्टाइल, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। ये देखिए गाइस, ये हमने सेकंड अपना ले लिया है, देखिए 2 बन गए हैं, अब ये थर्ड बना रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं इसीलिए। तो ये हमारे बनकर रेडी हैं, अब हम सारे बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपके आपसे। ये देखिए गाइस हमारे बिल्कुल एक स्पून घी में बनकर तैयार है बेसन के लड्डू, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है। और गाइस चलिए हम आप तोड़ के भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना यम्मी और एकदम मुंह में घुलने वाला लड्डू। तो गाइस लाइट चली गई है इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है लड्डू में कहीं पर रोशनी ज्यादा पड़ी, ये देख सकते हैं आप इस मोबाइल से हम दिखा रहे हैं रोशनी, तो इसी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि कलर में इफेक्ट हो। तो गाइस आज की हमारी ये रेसिपी, एक स्पून घी से बनाए बेसन के लड्डू। तो आज अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो बाय।